दोस्तों आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है ब्रेनी टेस्ट यूट्यूब चैनल में। पहेली का नाम पतलू का मर्डर किसने किया। चलिए आज की पहेली स्टार्ट करते हैं। एक दिन मोटू अपने घर वालों से मिलने के लिए अपने गांव जाता है। फिर पतलू मोटू से कहता है कि अपना ध्यान रखना और 2 दिन में पक्का वापस आ जाना। फिर मोटू अपने गांव चला जाता है। पतलू मोटू के बिना बोर हो रहा था और उसे मोटू की याद आ रही थी। तभी घसीटा राम, डॉक्टर झटका और बॉक्सर पतलू के घर पर आ जाते हैं और देखते हैं कि पतलू उदास बैठा है। फिर वो लोग पतलू से पूछते हैं कि क्या हुआ पतलू, ऐसे उदास क्यों बैठे हो। फिर पतलू कहता है कि मोटू अपने गांव चला गया है, तभी मेरा मन नहीं लग रहा। फिर बॉक्सर कहता है कि हम भी कहीं घूमने के लिए चलते हैं और मज़ा करते हैं। फिर पतलू कहता है कि ठीक है, हम भी घूमने चलते हैं। कुछ देर बाद वो सब घूमने के लिए निकल जाते हैं। वो सभी एक बहुत अच्छी जगह पर जाते हैं और खूब मज़ा करते हैं। धीरे धीरे शाम होने लगती है। फिर डॉक्टर झटका कहता है कि चलो भाई, शाम हो गई है, हमें घर भी चलना है। फिर वो लोग घर के लिए रवाना हो जाते हैं। कुछ देर बाद वो सब फुरफुरी नगर पहुंच जाते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। पतलू को बहुत नींद आती है और वो सो जाता है। कुछ देर बाद वहाँ पर चाय वाला आता है और देखता है कि पतलू को किसी ने मार दिया है। तभी चाय वाला चिंगम सर को बुला लेता है और कहता है कि पतलू को किसी ने मार दिया है। फिर चिंगम सर कहते हैं कि पतलू के सारे दोस्त कहाँ हैं, उन्हें यहाँ पर जल्दी से बुलाओ। कुछ देर बाद पतलू के सारे दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं। फिर चिंगम सर कहते हैं कि जब पतलू का मर्डर हुआ तुम सब क्या कर रहे थे, जल्दी से बता दो। फिर सभी बारी बारी से अपना बयान देते हैं। चाय वाला कहता है कि मैं रास्ते से जा रहा था, तभी पतलू के चीखने की आवाज़ आती है। फिर जब मैंने अंदर आकर देखा तो पतलू मरा पड़ा था। फिर बॉक्सर कहता है कि मैं अपनी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। फिर घसीटाराम कहता है मैं पैसे निकालने के लिए बैंक गया था। फिर डॉक्टर झटका कहता है मैं सो रहा था। सभी के बयान सुनने के बाद चिंगम सर को पता चल जाता है कि मुजरिम कौन है। कैसे, क्या आप बता सकते हैं? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। पतलू को किसी और ने नहीं बल्कि घसीटा राम ने मारा है। चलिए समझते हैं कैसे। जैसा कि आप जानते हैं कि रात के समय कोई भी बैंक नहीं खुलता, और जब चिंगम सर पूछते हैं तो घसीटा राम कहता है कि मैं पैसे निकालने बैंक गया था, पर रात के समय बैंक तो बंद रहते हैं, तो घसीटा राम बैंक से पैसे कैसे निकाल सकता है? इसका मतलब घसीटा राम झूठ बोल रहा है। इससे पता चलता है कि पतलू का मर्डर घसीटा राम ने ही किया है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये पहेली? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। ऐसी और मज़ेदार पहेलियों के लिए जल्दी से हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। उससे होगा क्या, जब भी मैं नई वीडियो डालूंगा करेक्ट उसी टाइम पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उस वीडियो को देख सकते हैं सबसे पहले। थैंक यू।